अगर आप इलाहाबाद प्रयागराज घूमने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको इलाहाबाद प्रयागराज में घूमने से रिलेटेड आपको सारी जानकारी देंगे, जैसे कि इलाहाबाद में घूमने लायक कौन कौन सी जगह हैं, यहां तक पहुंचने के लिए क्या साधन रहेंगे और यहां पर खाने पीने और रुकने के लिए क्या व्यवस्था रहेगी और यहां पर घूमने में टोटल कितना खर्च आने वाला है। तो दोस्तों, इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। इलाहाबाद प्रयागराज पहुँचने के लिए आप तीन मार्गों का प्रयोग कर सकते हैं। सड़क मार्ग से आने के लिए NH2 राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा करके सीधे आ सकते हैं। दोस्तों, इलाहाबाद प्रयागराज के लिए कुछ लगातार वोल्वो बस सेवाएं भी हैं, जिनमें बहुत आरामदायक सीटें हैं और पूरे दिन चलती हैं। आप बस और पर्सनल साधन से NH2 राजमार्ग में यात्रा करके सीधे प्रयागराज इलाहाबाद तक आ सकते हैं। अब बात आती है रेल मार्ग की। रेल मार्ग से आने के लिए आप इलाहाबाद प्रयागराज रेलवे स्टेशन के खुद के चार रेलवे स्टेशन हैं, जिनमें से इलाहाबाद जंक्शन का नाम अब प्रयागराज जंक्शन हो गया है और इलाहाबाद सिटी स्टेशन का नाम प्रयागराज रामबाग हो गया है। इलाहाबाद छिपकी का नाम प्रयागराज छिपकी हो गया है और प्रयागराज घाट का नाम परिवर्तित कर प्रयागराज संगम कर दिया गया है। इन सभी चारों रेलवे स्टेशनों पर आप यात्रा करके कोई भी बड़े शहर से ट्रेन पकड़कर सीधे आ सकते हैं। अगर आप इलाहाबाद प्रयागराज के लिए हवाई मार्ग से यात्रा करना चाह रहे हैं तो इलाहाबाद प्रयागराज का खुद का हवाई अड्डा बमरौली हवाई अड्डा है, जो कि इलाहाबाद से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां पर पहुंचने के लिए आप किसी भी बड़े महानगर से फ्लाइट पकड़कर सीधे आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप यहां पर घूमने आते हैं तो यहां पर रुकने की क्या व्यवस्था रहेगी। हम आपको बता दें, यहां पर जगह जगह आपको होटल देखने को मिल जाएगी, जहां पर आप 500 से 700 रुपए दिन में रुक सकते हैं। और अब बात करते हैं कि यहां पर घूमने लायक कौन कौन सी जगह हैं जहां पर आप घूम सकते हैं और अपनी प्रयागराज यात्रा को यादगार बना सकते हैं। पहले नंबर पर है इलाहाबाद का कुंभ मेला। यहाँ लगने वाला कुंभ मेला हिंदू धर्म के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुंभ मेले में स्नान करने का अर्थ पापों से मुक्ति पाकर जीवन में पवित्रता लाना होता है। इलाहाबाद में हर 6 साल में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन होता है, तो आप इलाहाबाद के कुंभ मेले में एक बार जरूर स्नान करें। दूसरे नंबर पर है इलाहाबाद का त्रिवेणी संगम। मध्य भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में सिविल लाइन्स प्रयागराज से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वास्तव में यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का मिलन होता था, लेकिन अभी की स्थिति में सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है। गंगा यमुना का मिलन आज भी यहाँ पर देखा जा सकता है और गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियाँ भारतीय पौराणिक कथाओं में बहुत ही पूजनीय नदियाँ हैं और इसलिए इन नदियों का संगम बिंदु धार्मिक महत्व रखा गया है। यहाँ पर दूर दूर से लोग इस संगम को देखने के लिए आते हैं। अगर आप इलाहाबाद घूमने आते हैं तो इलाहाबाद का संगम देखने एक बार जरूर आएं। तीसरे नंबर पर है इलाहाबाद का किला। इलाहाबाद का किला 1583 में मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। यह किला उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना नदी के संगम के तट पर स्थित है। इलाहाबाद किला अकबर द्वारा निर्मित अब तक का सबसे बड़ा किला है। इस किले को हर 12 साल में आयोजित होने वाले कुंभ के मेले के दौरान ही पर्यटकों के लिए खोला जाता है। यह किला अपने अक्षयवट वृक्ष अर्थात बरगद के पेड़ के लिए भी जाना जाता है। पहले के समय में स्थानीय लोगों द्वारा मोक्ष प्राप्त करने के लिए और आत्महत्या करने के लिए इस बरगद के पेड़ का इस्तेमाल किया जाता था। जो लोग इस वृक्ष को देखना चाहते हैं, उनके लिए एक छोटे से द्वार के माध्यम से केवल उस क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। तो आप एक बार इस वृक्ष को देखने भी जरूर आएं, अगर आप इलाहाबाद घूमने आते हैं तो। चौथे नंबर पर है इलाहाबाद के बड़े हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर इलाहाबाद के संगम क्षेत्र में ही स्थित है। मंदिर का निर्माण जमीन के नीचे किया गया है और भगवान हनुमान की मुद्रा भी पीछे की ओर झुकी हुई है। यह मंदिर शहर का एक लोकप्रिय तीर्थ स्थान है और मंगल और शनिवार को विशेष रूप से भक्तों की भीड़ लगी रहती है। तो स्थानीय लोगों के अनुसार इस मंदिर में मांगी गई हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। आप भी अपनी मनोकामना को इस मंदिर में आकर एक बार जरूर मांगें। पांचवें नंबर पर है अशोक स्तंभ। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में यह स्तंभ स्थित है। हम आपको बता दें, यह स्तंभ इलाहाबाद किले के मुख्य द्वार पर स्थित है तथा 10 मीटर की ऊंचाई का यह स्तंभ 232 ईसा पूर्व के समय का है। इस संरचना का निर्माण सम्राट अकबर द्वारा किया गया था और अशोक स्तंभ के बाहरी हिस्से में ब्राह्मण लिपि में अशोक के शिलालेख भी है। छठवें नंबर पर है अलोपी देवी मंदिर। अलोपी देवी मंदिर अलोपी बाग में स्थित है। यह मंदिर इलाहाबाद में पवित्र संगम के पास स्थित है। अलोपी देवी मंदिर हिंदुओं द्वारा बहुत ही पूजनीय एक मंदिर है। यह मंदिर बहुत ही अनोखा है और इस मंदिर में कोई भी देवता विराजमान नहीं है, बल्कि एक लकड़ी का रथ और डोली है, जिसकी पूजा अधिकतर भगवान शिव के भक्त ही करते हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा हिंदू श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रहती है। सातवें नंबर पर है ऑल सेंट कैथेड्रल चर्च। ऑल सेंट
कैथेड्रल चर्च 19वीं शताब्दी के अंत में निर्मित किया गया था और यह चर्च इलाहाबाद के एमजी मार्ग में स्थित बहुत ही सुंदर चर्च है। गोथिक शैली की वास्तुकला से निर्मित यह चर्च नकाशीदार कांच के पैनल से निर्मित है। पूरी दुनिया में सबसे सुंदर चर्चों में से एक यह चर्च पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को बेहद आकर्षित करता है। आठवें नंबर पर है न्यू यमुना ब्रिज। न्यू यमुना ब्रिज 2004 में स्थापित किया गया था। 1510 मीटर से अधिक की दूरी पर चल रहे इस पुल को कैमलों द्वारा सहारा दिया गया है। आधुनिक तकनीक से बना ये ब्रिज देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। नौवें नंबर पर है अल्फ्रेड पार्क। ब्रिटिश उपनिवेशक काल के दौरान अल्फ्रेड पार्क का निर्माण किया गया था। इसे चंद्रशेखर आजाद पार्क या कंपनी बाग के रूप में जाना जाता है। यह इलाहाबाद में जॉर्ज टाउन का एक सार्वजनिक उद्यान है। 133 एकड़ के क्षेत्र में फैले इस पार्क का निर्माण शहर में प्रिंस अल्फ्रेड की यात्रा को चिन्हित करने के लिए किया गया था और यह आज शहर का सबसे बड़ा पार्क है। इसके अलावा भी इलाहाबाद में घूमने लायक अन्य जगह है, जैसे कि मन कामेश्वर मंदिर, तारामंडल, आनंद भवन, खुसरो बाग, फन गांव वाटर पार्क, पब्लिक लाइब्रेरी जैसी भी जगह हैं जहां पर आप घूम सकते हैं। अब बात आती है कि यहां घूमने के लिए अच्छा समय कौन सा रहेगा। हम आपको बता दें, यहां घूमने के लिए आप साल भर में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन यहां पर आने के लिए अक्टूबर से मार्च सबसे अच्छे महीने हैं। और अब बात आती है कि यहां पर खाने की क्या व्यवस्था रहेगी, तो हम आपको बता दें, यहां पर आपको जगह जगह रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे जहां पर आपको 150 से 200 रुपए में भरपूर खाना खा लेंगे। अब बात करते हैं कि यहां पर घूमने में कितना खर्च आने वाला है और कितने दिनों का प्लान बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ घूमने के लिए 2 दिन का प्लान बना सकते हैं। इन 2 दिनों में आप सभी जगह को घूम लेंगे और यहाँ पर आपको घूमने में संपूर्ण खर्च 2500 से 3000 के लगभग आने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम अपने चैनल पर ऐसे ही ट्रैवल टिप्स से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं।